बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूँ। देखिए मैंने इसमें 28 चैन बुन ली है। 28 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 1, 2, 3, 4 चार चैन आपने एक्स्ट्रा बुननी है। फिर देखिए इस तरह से एक बल लेना है और जो एक्स्ट्रा बुनी थी यहीं से आपने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। एक देखिए इस तरह, दो देखिए, दो के बाद आपने क्या करना है, एक बल लेना है और ये देखिए 1, 2, 3 तीन चैन आपने स्किप करनी है और फोर जो चैन है हमारी, फोर में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखिए फ्रेंड्स हमने फोर वाली चेन में 6 टाइम बुना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेंड्स मैंने 6 टाइम फोर वाली चेन में बुन लिया है। देखिए और मेरे क्रोशिया नंबर देखिए 12 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने दो चैन और बुननी है, 1 और 2 दो चैन बुनेंगे और ये देखिए 1, 2, 3 तीन चैन स्किप करेंगे। देखिए 1, 2, 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए 1, 2 चैन बुनेंगे और फिर देखिए 1, 2 स्किप करके थर्ड में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखिए हम डबल क्रोशिया से 1, 2, 3, 4 बार बुना है। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने ये देखिए 1, 2, 3 चैन स्किप करनी है, फोर वाली चेन में आपने फिर से 6 टाइम बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए जैसे ये 6 बनाया था इसी तरह यहाँ भी हमने 2, 4, 6 बुन लिया है। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 6 के बाद फिर हमने दो चैन बुनी थी तो यहाँ भी दो चैन बुन दीजिए इस तरह से। फिर एक बल लीजिए और 1, 2, 3 स्किप करके फोर में आपने इस तरह से बुनना है। देखिए फिर आपने 1, 2 चैन बुननी है, दो चैन के बाद देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 स्किप करके थर्ड में यानी यहाँ आपने इस तरह से ये देखिए, फिर आपने यहाँ आपने 3 टाइम बुनना है। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 1, 2, 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स अब हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया से बुनेंगे, ये किनारे के 3 इसी तरह बनेंगे। देखिए ये किनारे के हमने बना लिए हैं। अब देखिए एक बल लेंगे और बल लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ हमने देखिए 1, 2,
चार, पांच और ये छह। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये वाली जाली स्किप कर दी और यहाँ इस वाली जाली में हमने सिक्स टाइम बुना है, एक दो तीन चार पांच छह। छह के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फिर से एक और दो, दो चैन। फ्रेंड्स सिक्स टाइम बुनने के बाद हमने दो चैन बुननी है, एक और दो। दो चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमने इसी में दोबारा से, यही इसी में देखिए, इसमें सिक्स टाइम बुना है तो इसी में ही हमने दोबारा से डबल क्रोशिया से एक बार और बुनना है। इस तरह यहाँ पे जाली आ जाएगी, फिर इसके बाद देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे और एक बन लेंगे और ये जो बीच में एक दो तीन चार जो बनाए थे इसी तरह हमने यहाँ बुनना है, फोर टाइम ही बुनना है फ्रेंड डबल क्रोशिया से। देखिए इस तरह, ये देखिए एक दो तीन और चार, देखिए इस तरह से फोर टाइम हो गया। फिर देखिए एक बल लेना है और आपने देखिए ये वाली जाली जो है आपने ये जाली स्किप करनी है और ये जो सेकंड वाली जाली है यहाँ आपने सिक्स टाइम डबल क्रोशिया से बुनना है। एक दो तीन चार पांच छः, देखिए यहाँ पे भी हमने छः बार बुना है। उसके बाद देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे फिर एक बल लेंगे, फिर से हम इसी में दोबारा से डबल क्रोशिया से बुनेंगे तो यहाँ हमारी जाली बन जाएगी। फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे एक बल लेंगे और देखिए यहाँ हमने थ्री टाइम बुनना है, एक दो ये तीन। देखिए इस तरह से हमारी फ्रेंड्स, देखिए सेकंड रो भी देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे, ये देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, फिर देखिए एक बल लेंगे और यहाँ एक दो, दो चैन बुन, दो बार हमने बुना और एक चैन लगा के हमारी तीन हो गई हैं। फ्रेंड्स देखिए फिर से हमने एक बल लेना है और देखिए इस फर्स्ट जाली को छोड़ के सेकंड वाली जाली में हमने यहाँ सिक्स टाइम बुनना है, एक दो तीन चार पांच छः। यहाँ मैंने सिक्स टाइम बुन लिया है। अब सिक्स टाइम बुनने के बाद एक दो, दो चैन बुनेंगे एक बल लेंगे, फिर से फ्रेंड्स हमने इसी में दोबारा से डबल क्रोशिया से बुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी जाली बन गई है। फिर आपने देखिए एक और दो, दो चैन बुननी है एक बल लेना है और यहाँ बीच में आपने फिर से फ्रेंड्स डबल क्रोशिया से फोर टाइम बुनना है इस तरह। देखिए फोर टाइम बुन लिया फ्रेंड्स, फिर एक बल लेना है और देखिए इस जाली को छोड़ दीजिए, सेकंड वाली जाली में आपने फिर से डबल क्रोशिए से सिक्स टाइम बुनना है, दो तीन चार पांच छः। छः के बाद आपने देखिए एक दो, दो चैन एक बल लेना है, फिर से इसी में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, फिर एक और दो चैन बुननी है, फिर देखिए फ्रेंड्स आपने यहाँ पर थ्री टाइम बुनना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डिज़ाइन है ये सिर्फ वन ही रो का डिज़ाइन है, आपने वन रो को रिपीट करना है
और आपका देखिए कितना सब कितना प्यारा सा डिजाइन देखिए तैयार हो गया। एक दो तीन, बस आपने इसी देखिए ये वन, फिर हमने इसे पलटा तो फिर ये वन, यानी बस आपने वन रो रिपीट करना और आपका देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन तैयार हो गया है। और अगेन फ्रेंड्स, आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।